बनमनखी वासियों को जल्द ही एक तोहफा मिलेगा। बिहार सरकार के दो दो मंत्री की पहल पर यह काम होने जा रहा है। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। आपको बता दें कि अब मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही बिहार में मजदूरों को रोजगार का अवसर मिलने वाला है। वर्षों से बंद पड़े बनमनखी चीनी मिल का पुनर्निर्माण होने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। बंद पड़े चीनी मिल के पूर्ण निर्माण को लेकर बियाड़ा के वरीय अधिकारी सहित अन्य कर्मी सर्वे के लिए पहुंचे। इस मौके पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री श्रीमती बीमा भारती ने बियाड़ा कंपनी के प्रमुख अधिकारी और गन्ना उद्योग के वरीय अधिकारी सहित केन के पदाधिकारी, बनमनखी विधायक सह बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि बंद बनमनखी चीनी मिल के सर्वे के लिए पहुंचे। आपको बताते चलें कि इससे पहले यही काम चीनी बियाड़ा को दे दिया गया था, लेकिन अब बियाड़ा कंपनी से ट्रांसफर करके रिहासा कंपनी को दे दिया जाएगा। रिहासा कंपनी के अधिकारी ने बताया कि 1,000 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य होगा, जिसमें शुगर, बिजली उत्पादन, इथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ पे चीनी मिल खुलने जा रहा है तो इससे लोगों को कितना सुविधा मिलेगी सर? सुविधा खास करके सीमांचल इलाके में चीनी मिल बंद हो जाने से किसानों में से इस यहाँ के सीमांचल के किसान मायूसी भी था, और जैसे आज एक कंपनी के मालिक भी आए और बियाड़ा के और गन्ना उद्योग विकास के मंत्री जी भी हैं, उसके अधिकारी भी हैं, दोनों लोग यहाँ आए हैं और कंपनी वाले जो हैं वो देख करके संतुष्ट हैं कि निश्चित रूप से हम यह ज़मीन को हम ले लेंगे। वह इच्छुक भी है, इससे निश्चित रूप से लगता है कि बहुत जल्द खास करके पूर्णिया जिला के लोगों को और सीमांचल के इलाके के लोगों को लाभ मिलने वाला है। और मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ गन्ना विकास मंत्री जी को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत कर ली, सभी अधिकारी को और कंपनी वाले एक साथ बुला करके फैक्ट्री पर आकर के बैठ करके इसका मुआयना करना। निश्चित रूप से यह सराहनीय प्रयास है, इसमें कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। और जमीन ट्रांसफर हो गया था गन्ना उद्योग विभाग से बियाड़ा को कि हाल फिलहाल ही ट्रांसफर हुआ है। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि इसका जमीन इसको जल्द से जल्द मिले। जो टीम आई है उसका उद्देश्य क्या है? जो पटना से टीम आया है यहाँ पर, जो चीनी मिल जो बनमनखी जो बहुत दिन से जो बंद पड़ा हुआ है, तो हम बैठक रखे थे पटना में उद्योग विभाग का, गन्ना विभाग का, सभी अफसर आए थे बियाड़ा का भी, उसके साथ में बैठक हम लोग रखे थे। उसी में तय हुआ था कि बियाड़ा से ट्रांसफर करके जो रिहाजा कंपनी है उसको दिया जाएगा। तो उसी में तय हुआ कि बनमनखी का पहला जो है ज़मीन का संरक्षण कर ले, कहाँ क्या मशीन लगेगा, क्या लगेगा, तो पहले इसका विजिट करने के बाद इस्टीमेट बन के फिर विभाग में सौंपा जाएगा, तब फिर इस पर बियाड़ा से ट्रांसफर करके फिर रिहाजा कंपनी को दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं कि सबसे पहला जो है बनमनखी चीनी मिल का चालू हो, और मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द इसका भूमि पूजन हम लोग तय करेंगे, बियाड़ा से लेकर के पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये जब फैक्ट्री जब चालू होगा तो इसका शिलान्यास कब तक होने वाला है? अभी तो जमीन ही नहीं मिला हम लोगों को, कैबिनेट कल या परसों से चलने वाला है, यह ऐसा माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला है। ज़मीन अगर मिल जाता है तो हम लोगों को मैक्सिमम 12 महीने की समय चाहिए। 12 महीने में हम लोगों को भोजन और शुगर का प्लांटेशन जो है वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ला देंगे। क्षमता होगी 5,000 TCD शुगर का, 30 मेगावाट भोजन और 60 किलोमीटर का। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम गोपाल प्रसाद, रहजान प्रसाद का।